हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ कि BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए हैं, तो ये एग्ज़ाम कब तक हो जाएंगे? तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इसके एग्ज़ाम पहले जो होने थे मार्च में 12 से, तो उसको जो है आगे पोस्टपोन कर दिया गया है। उसको पोस्टपोन करने का बहुत ही बड़ा रीज़न इनके में ये है कि इनमें जो है कुछ टेक्निकल खामियों की वजह से इसको आगे बढ़ाया गया है। टेक्निकल खामियां क्या हो सकती हैं? तो गाइस, इन लोग का जो है जहाँ पे इनका होना था एग्ज़ाम सेंटर, और जो भी इनके कुछ टेक्निकल जो होती हैं इलेक्ट्रिक चीज़ें होती हैं, उनमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, कुछ उनका जो है सिस्टम सही से बैठ नहीं पाया, तो इस वजह से इसको जो है आगे बढ़ा दिया गया है। तो आप लोगों अगर एग्ज़ाम बढ़ाए गए हैं तो एग्ज़ाम कब तक हो जाएंगे? तो गाइस, ये एग्ज़ाम आप लोगों को जो है अप्रैल में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, और एडमिट कार्ड जल्दी से इसके जारी हो जाएंगे। ये छोटी सी जानकारी थी जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। काफ़ी बच्चे परेशान थे कि अगर ये पोस्टपोन हो रहा है तो कब तक हो जाएगा। पोस्टपोन इसलिए हो रहा है कि इन लोगों का जो है अंदर से अभी पूरा जो है सिस्टम बैठ नहीं पाया है। इसमें से एक दिक्कत ये आ रही है कि जहाँ पे इन लोगों को सेंटर बनाने हैं वहाँ पे कुछ जो है प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इस वजह से आगे बढ़ाया गया है। प्रॉब्लम्स यही आ रही हैं कि आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या जो भी होने हैं, जो उसमें से जो स्कैनिंग या कुछ भी होता है ना, जो जिसे थंब लगते हैं, कैमरा स्कैनर होता है, तो उसमें जो है इन लोग का सिस्टम बैठ नहीं पाया है कि उन लोग जो जिसको जैसे कोई लोग देते हैं या जिसे कराते हैं उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है। उसमें से प्रॉब्लम ये आ रही है कि वहाँ पे इनका जो है पूरा हर जगह इनको सेंटर बनाने होते हैं, तो वहाँ पे सारे जगह जो है सिस्टम अभी बैठ नहीं पाया है, तो उसकी वजह से आगे इसको बढ़ाया गया है। लेकिन आप लोग घबराए नहीं, क्योंकि बहुत ही जल्द इसका जो है एग्ज़ाम होने वाला है। तो गाइस, ये आप लोगों को जो है आप लोग पता होना चाहिए कि ये इसके बेसब के जो होने हुए हैं, तो ये आप लोगों को मान चलिए कि अप्रैल में हो जाएंगे। तो अप्रैल में सारी वैकेंसीज क्लियर होंगी। अभी इधर जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है, और कुछ ये आप लोगों को पता है कि होली के बाद इनके एग्ज़ाम सारे चालू होंगे और काफ़ी सारी भर्तियां हो रही हैं, तो इसको भी उसके साथ करा लिया जाएगा। देन उसके बाद आप लोग सेंटर निर्धारित करके आप लोगों को जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। आप लोग को जो भी क्वेरीज करनी है आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर इसको पिन कर दिया करें। कमेंट में आप लोग ज़रूर बताया करें कि आप लोग की किस कैसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो प्लीज़ गाइस, वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, और आप बेल आइकन को जरूर दबा दें। फ्यूचर में नोटिफिकेशन पाने के लिए अपने बेल आइकन को जरूर दबाएं, अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं फिर ऐसे ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।